किया है, लेकिन आज उसमें ये भी किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। फैक्ट्री बनने से पहले उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन वहां पर आज किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। जब तक साना लकड़ा जी थे, आज नहीं रहे, उन्होंने उस फैक्ट्री का आधारशिला रखी थी। मैं खुद उस जमीन का भूमि पूजन किया था, मैं वहां का पहान भी हूं। लेकिन बीच में जब बीजेपी सरकार आई और इस फैक्ट्री को बनने से पहले बिगाड़ने का काम किया है, आज कहीं भी रहे किसानों को छलने का काम किया है, उसके बाद यहाँ पर आज कहती है कि किसानों के लिए ऐसा कानून लाया गया है। जो सूचना दूंगा और हस्तक्षेप अभियान कराऊंगा अपने प्रखंड में जबरदस्त, जो वीडियो के हम ज्ञापन सौंपने का काम करूंगा। अभी निकल रहा, धीरे धीरे मत बुलवाए वो, लेकिन तो फिर निकालेंगे, फिर किताब छापेंगे को कि क्या क्या हुआ था पिछली सरकार में, खास करके पिछले सरकार में खास करके क्या हुआ था, स्मार्ट रोड बनाने के चक्कर में क्या किए थे, काम शुरू नहीं हुआ, मोबिलाइजेशन एडवांस पहले ठेकेदार को दे दिया गया, ये खाली ठेकेदारी हुआ। अभी उनका कच्चा चेचा खोलेंगे, हाँ खोलेंगे ना, अभी तो दम धरी है ना थोड़ा सा, अभी तो शुरुआती है, अभी तो चलना फिरना भी नहीं सीख पाए हम लोग, कई महीना हुआ है, हाँ अभी तो चलना फिरना भी शुरू किए सरकार, 5 साल में दौड़ेंगे और तब उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या किया इन्होंने। किसान हमारा वोट बैंक नहीं है, किसान को हम परिवार मानते हैं, खुद किसान का बेटा है, किसान के दुख और दर्द से कांग्रेस परिवार को वास्ता है, किसान को कोई परिवार मानता है, कोई विचारधारा के लोग बाजार मानता है, जिसने उसे बाजार बनाया, बाजारीकरण किया, उसने इस तरह के आनन फानन में 3 कानून लाए, हम सजग करने का प्रयास कर रहे हैं, देश ने उन्हें जनादेश दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के संवैधानिक शक्तियों पर बलात् प्रहार करें, कलरफुल एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कतई बर्दाश्त से बाहर। आप एक सवाल पूछ सकते हैं उनसे, कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, क्यों नहीं इस पर स्टेट में बहस कराया गया, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आनंद फानंद में आपने कहा, मनसा साफ है, आप जन भावनाओं का ख्याल नहीं कर रहे, आप कॉर्पोरेट घरानों के हिडन एजेंडे के मसौदे पर उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हम लोग जीते जी देश की आत्मा किसान में बसती है और उस किसानों को सौदा नहीं करने देंगे। किसान भले 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, वो अपने जमीन का मालिक है। सरकार केवल जो है झूठे वादे नारे करके इस देश को लूटना चाहती है, जिसके विरोध में हम लोग कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, ये कोशिश चल रही है। तो यदि मान लीजिए हमको ही फायदा है, तो फिर हम ही क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों किसान उतर गया, उनकी पार्टी जो है अकाली दल ने क्यों उनके साथ जो है समझौता तोड़ने का काम किया, क्यों जो है सिमरत कौर ने जो है उससे इस्तीफा देने का काम किया, ये बताएं प्रधानमंत्री जी। ठीक है।